अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे बहुत से साथी बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि बहुत से या चंद बच्चे ऐसे हैं जो दो तीन साल से मुरशह मबदई थे, लेकिन उनकी मंजूरी नहीं आई, उनका नाम लिस्ट में नहीं है, मकबूल नहीं है, और इसी तरह ना ही उनका वीज़ा आया है। तो मैं ये बता दूँ कि जामिया के पास जो भी वजारत तालीम से लिस्ट आई थी, जामिया ने सभी को अपलोड कर दिया है, वेबसाइट पर डाल दिया है। अब जिन लोगों का नाम रह गया है उसमें, जैसे मेरे इल्म में जहाँ तक है 10 से 12 इंडियन लड़के हैं, जिनमें से 3 से 4 की मंजूरी किसी दूसरे जामिया से भी आई है। तो एक जगह से अगर मंजूरी या तरशी हो चुकी रहती तो दूसरी जगह से उमन नहीं होती है, या होती ही नहीं है सिरे से। अभी पहले था कि कोई जामिया अलग एक्सेप्ट करता था, कोई कहीं और से एक्सेप्ट करता था, लेकिन अभी जो है सिस्टम क्या बन गया है कि एक ही जगह से सब कुछ मकबूल होने का मामला होता है। फाइनल स्टेप रियाज से होता है, वजारत तालीम से, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि किसी की पहले से मंजूरी है या फलां जगह से भी तरशी हुई है, तो एक जगह से ही आएगी। और कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी उम्र 27 साल तक हो गई है, 26 साल क्रॉस कर गए हैं, और कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 21 22 साल 23 ही साल है, फिर भी उनकी मंजूरी नहीं आई। तो ऐसा है कि वजारत तालीम में जैसे जो लिस्ट जामिया भेजता है, किसी भी रीज़न से कोई मुनासिब वजह या कोई भी उज़्र होगा उनके पास, या किसी का कुछ बैकग्राउंड किस किस्म का है, वो लोग जांच पड़ताल करते होंगे और उसको रिजेक्ट कर देते होंगे, या दरख्वास्त में कुछ होगा, या किस किस्म का या किस फिक्र का शख्स है या स्टूडेंट है जो जिसने तकदीम किया था, ये सब मुलाहिजा वो लोग रखते हैं और कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अभी तक जामिया की वेबसाइट पर मरफूज़ लिख कर नहीं आया है, तो आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं जब तक मरफूज़ ना आए, या मुमकिन है कि वजारा ने रफ्ज़ नहीं किया है, उतने ही लोगों का मुआफ़ा भी दिया है, अगले मरहले में या अगले चंद महीनों में आप लोगों का भी मुआफ़ा आ जाए। ऐसा नहीं है कि ना आए, आ सकता है, इसीलिए जामिया ने मरफूज़ नहीं करार दिया है। आप लोगों की दरख्वास्त वेटिंग में ही है, अभी भी वेटिंग में है। तो बेहतर है कि आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को मदीना की यूनिवर्सिटी के लिए कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।